कन्ही नक्षत्र जाते जाते लोगों को गर्मी से दे गया राहत, अब हस्त नक्षत्र की है बारी। हस्त नक्षत्र में भी बन रहे हैं मूसलाधार बारिश के योग, किसानों को मिलेगा बेहतर उपज, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दरअसल जानकारी देते हुए पूर्णिया के पंडित मनोत्पल झा कहते हैं कि कन्ही नक्षत्र जाते जाते लोगों को गर्मी से राहत दे गया और आने वाले अब हस्त नक्षत्र जो कि 27 सितंबर के मध्य रात्रि 1:20 पर प्रवेश करेगा। हालांकि यह नक्षत्र अगले 16 दिनों तक रहेगा और इस नक्षत्र में भी मूसलाधार बारिश के योग बन रहे हैं, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं किसानों की उपज भी अच्छी होगी। कि कन्ही नक्षत्र जो है बीतते बीतते लोगों को राहत देने का काम प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हम लोग अनंत पूजा में अनंत बांधे, उसी दिन से ही वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो हमारे पृथ्वी पर आना प्रारंभ हो गया। और इसके बाद 27 सितंबर के मध्य रात्रि से हस्त नक्षत्र में सूर्य प्रवेश किए, जिसे कि हथियार नक्षत्र भी कहते हैं, और इसमें मूसलाधार बारिश की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए जो ऋतु हैं पत्रा के अनुसार 28 सितंबर को ही हस्ते रवि लिखा गया है 26:53 पल के बाद। अगर वैसे देखा जाए तो 27 सितंबर को मध्य रात्रि में हस्त नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मूसलाधार बारिश होने की पूर्ण संभावना है। हस्त नक्षत्र जो है यह हथियार नक्षत्र, यह 16 दिनों का माना जाता है, जहां तक कि सभी नक्षत्र 15 दिन के ही होते हैं, मगर हथियार नक्षत्र को 16 दिनों का माना गया है, जिसको चार खंडों में बांट सकते हैं, चार चार दिन का। इसे हम धातु से भी दर्शाते हैं, लोहा, तांबा, चांदी और सोना। जहां तक वर्षा की बात है, वर्षा का प्रारंभ जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, 21 और 22 जून को सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है, तब से ही बारिश होने की पूर्ण संभावना शुरू हो जाती है कि अब सूर्य जो है बारिश का आगमन कर चुका है। इसका प्रारंभ 21 से 22 जून में शुरू होती है और 24 अक्टूबर तक लगभग रहता है। इसमें कुल 9 नक्षत्र आते हैं, जिसे हम लोग वर्षा ऋतु नक्षत्र भी कहते हैं, जिसका पहला नाम आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र आते हैं। सूर्य जब इन्हीं नक्षत्र में विचरण करते हैं तो वर्षा का आगमन होता है। वर्तमान में सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, या करेंगे 27 तारीख को मध्य रात्रि से, जिसे हम लोग अपनी भाषा में हथिया नक्षत्र भी कहते हैं। किंवदंती है कि इस नक्षत्र में लोग कहते हैं कि हाथी अपना सूर्य जो है समुद्र में डालती है और पानी इतनी जोर से खींचती है और वही पानी पृथ्वी पर बरसा देती है, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है। ये हम लोगों को बचपन में डराया जाता था कि सो जाओ, नहीं तो हथिया जो है वो पानी खींचेगा, इतना जोर से तुम्हारे शरीर पर फेंकेगा कि तुम डूब जाएगा। हम लोग डर के मारे सो जाते थे, क्योंकि यह नक्षत्र ही है वर्षा से डराने का, जो वर्तमान में चल रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ के कारण त्राहिमाम मच चुका है प्रकृति में, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। हमारे पशु पक्षी जो हैं वह भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं कि कहां से भोजन मिलेगा। इसलिए यह हस्त नक्षत्र चेतावनी का नक्षत्र है कि आप इसमें अपना ध्यान रखें। अगर आप इस ऋतु में अपना ध्यान नहीं रखिएगा तो वर्षा के प्रकोप आपको झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे में इस बार हस्त नक्षत्र के आने से किसानों के लिए कितना फायदा होगा? किसानों के लिए फायदेमंद तो है वर्षा, और पूर्ण रूपेण फायदेमंद है। अगर यह वर्षा कंट्रोल में हो, अगर अनकंट्रोल वर्षा होगी तो नदी में उफान आएगा और किसान जो फसल पहले लगा चुके हैं वह फसल दहने की व्यवस्था कर देगा वो। हाँ, किसान अगर पहले से अपने
जो केनाल है, जो नहर है, शहर है, उसकी सब सफाई करवा चुके हैं। जो वर्षा है वो उस नहर में, उस शहर में जाएगी और आपका पानी स्टोरेज रहेगा और उस पानी से आप अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, धान की खेती सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही धान की खेती की जाती है और यह वर्षा ऋतु किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस बार मूसलाधार बारिश होने की संभावना जी, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्षा अच्छा माना गया है, अच्छा देखा गया है और मूसलाधार वर्षा आप देख भी रहे हैं। हाँ, इस ऋतु में हमने कहा कि पेड़ पर डिपेंड है वर्षा और हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ों की कमी हो चुकी है, इसलिए मैं पंडित मनोत्पल झा आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक माह अगर आप एक पेड़ या माह में भी एक पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे तो हमें वर्षा सब दिन अच्छी खासी मिलेगी और हमारे किसान अन्न की उपजाऊ करके हमें कृतज्ञ करेंगे, हमें अन्न से भंडार भर दें। साथ ही साथ पूर्णिया के भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम अधिकारी वीरेंद्र कुमार झा कहते हैं कि बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण पिछले दो दिनों से लगातार बारिश और आने वाले 16 अक्टूबर तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसे में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं किसानों के लिए उपज भी बेहतर होगा। क्या कुछ कहते हैं आइए जानते हैं। सर, आज से हस्त नक्षत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बारिश के क्या आसार देखे जा रहे हैं? ठीक है, बिहार में जो है अभी देव बंगाल में ये लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है, उससे अपना अभी 29-30 तक तो बारिश है ही, आज कल थोड़ा ज़्यादा बारिश है, थोड़ा हल्की धीमी बारिश के आसार है, दो तक आपका जो है बारिश के बूंदाबूंदी होती रहेगी, बादल क्लाउड बना रहेगा और मौसम ठंडा ही बना रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी से राहत मिलेगी तो इस बीच में भारी बारिश होगी? हाँ, आज तक तो थी भारी बारिश की संभावना, लेकिन अब मध्यम दर्जे की बारिश एक दो दिन तक दर्ज की जाएगी, उसके बाद की हल्की फुल्की बारिश है, फिर दो तारीख से हल्की जो बारिश के असर जो है ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हथिया अगले 15 दिनों तक रहेगा, तो ऐसे में 15 दिन अभी आने वाले 15 दिनों तक बारिश की संभावना क्या है? बारिश की संभावना तो दिख रहा है, जैसे हम लोग का साइड दिखा रहे हैं, बारिश के असर दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है बारिश नहीं दिख रहा है, बारिश अभी रहेगी, बारिश होगी। ऐसे बिहार में 16 अक्टूबर तक बारिश हम लोग नज़र में करते हैं, बारिश होती है 16 अक्टूबर तक, बारिश होगी, हवा भी ठीक ठाक रहेगी, हवा ठीक रहेगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। जी जी, हवा भी स्टेडली चल रही है और तेज चल रही है, इसका मतलब कि मानसून थोड़ा एक्टिव है अभी और ये 30 सितंबर लास्ट तक आपकी बारिश अच्छी खासी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका बारिश थोड़ा धीमा होगा, लेकिन बिहार में जल्दी 16 अक्टूबर तक का जो है फोरकास्ट किया जाता है बारिश के लिए, तो बारिश अभी होने की संभावना। किसानों को फ़ायदा मिलेगा बारिश से? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा किसानों को इनसे, अभी जो सीज़न है इस तरह से धान में, अभी बारिश से भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा किसान वर्ग को मिलेगा और आशा करते हैं कि अच्छी धान की पैदावार भी हो इस बारिश से। परिचय बता दें अपना। जी, मैं वीरेंद्र कुमार झा मौसम विज्ञानी ए हूँ, लोकल 18 पूर्णिया के लिए विक्रम झा।